नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने केस प्रोफाइल की जानकारी कैसे प्राप्त करें इसके बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बताया था अल्प दृष्टि, सेरेलम पॉलिसी और ऑटिज्म और बहुआयामी विकलांगताएं, तीन पॉइंट्स को हमने समझ लिया था। वो कौन कौन से पॉइंट्स थे? एक तो अल्प दृष्टि, दूसरा पढ़ा था अपने ऑटिज्म और तीसरा पढ़ा था अपने सेरेलम पॉलिसी। अल्प दृष्टि, ऑटिज्म और सेरेलम पॉलिसी, ये तीन चीजें हमने पिछले वीडियो में देखी थी। अल्प दृष्टि का मतलब है हम किसी भी चीज पर अपने ध्यान को एकाग्रचित नहीं कर पा रहे हैं। तो जब बच्चा क्लास में होता है, वो एक्टिविटी करता है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि उसका ध्यान क्यों नहीं हो पा रहा है। आप जानते हैं कई बच्चे ब्लैक बोर्ड पर 5 या 10 मिनट से ज़्यादा रेगुलर नहीं देख पा रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं कि शाम पट पर लिखे होने के बावजूद अपने सहपाठी की कॉपी में से देख रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके भाषा और ध्वनि संबंधित दोष हैं। तो ये सभी दोषों के कारण जो है बच्चा अच्छा अधिगम नहीं कर पाता है। तो उनकी इन आवश्यकताओं को पहचानना कि उनके साथ क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि समस्या जब पता चलेगी तभी उसका क्या होगा, समाधान होगा, ठीक है। उसके बाद हम जो देखते हैं बच्चों, ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या है? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब बच्चा शारीरिक व मानसिक संतुलन को स्थापित नहीं कर पाता, उनमें तालमेल नहीं बिठा पाता, और उसका एक उदाहरण दिया था कत्थक डांस का, कि जब एक बच्चा या बच्ची कत्थक डांस करते हैं तो अपनी भाव भंगिमाओं के द्वारा, अपनी हाथ और पैर की मुद्राओं के द्वारा, अपने चेहरे के हाव भाव के द्वारा कुछ बताना चाहते हैं। तो उन हाव भावों को जब ऑटिज्म से पीड़ित होगा वो बच्चा नहीं पहचान पाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था सेरेलम पॉलिसी। सेरेलम पॉलिसी का मतलब है कि जिसके गतियां, स्वैच्छिक गतियां संतुलित अवस्था में नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब बच्चा अपने दैनिक क्रियाकलापों को ढंग से नहीं कर पाता है, कभी भी वो चक्कर खा के गिर जाता है, उसको दौरे आते हैं, वो कहीं पर भी गिर जाता है, और अगर उसका आईक्यू लेवल अच्छा होने के बाद अगर उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब है वो बच्चा सेरेलम पॉलिसी से पीड़ित है, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। आज जो इसका चौथा पॉइंट है, बहुआयाती विकलांगताएं। बहुआयाती विकलांगता का मतलब ये है एक ही बच्चे में बहुत सारी विकलांगता संबंधी डिसएबिलिटी का विद्यमान होना। आप जानते हैं ये सब बात, एक बच्चा ऐसा है व्हीलचेयर पे बैठा हुआ है, आंख पर चश्मा लगा हुआ है, मंद बुद्धि है, भाषा का विकास भी नहीं हो पाता, सुन नहीं पा रहा है, देख भी नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब है कि ऐसा जो बच्चा होगा वो बहुआयाती विकलांगता की श्रेणी में आता है। जैसे कोई बच्चा, एक ही बच्चा चश्मे का इस्तेमाल कर रहा है, किसका इस्तेमाल कर रहा है, चश्मे का इस्तेमाल कर रहा है, स्वर्ण यंत्रों का उपयोग कर रहा है, व्हील चेयर पर चल रहा है, तो इसका मतलब है उसमें कौन सी विकलांगता है बच्चों, बहुआयाती विकलांगता है। उसके बाद आप देखते हो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके सामने नई वस्तु आने पर वो चौकन्ने हो जाते हैं। मतलब है कि उस बच्चे, उस वस्तु के बारे में उनको नॉलेज नहीं होती या उनके अंदर इतना डर होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आत्मविमो, अपनी ही दुनिया में रहना, अपनी ही दुनिया में रहना। तो यहाँ पर देखो, चश्मे का इस्तेमाल, स्वर्ण यंत्रों का प्रयोग और व्हील चेयर का अगर बच्चा प्रयोग कर रहा है तो इसका मतलब है उसमें कौन सी विकलांगता है बच्चों, बहुआयाती विकलांगता है। उसके बाद देखो,
आंखों के द्वारा विचित्र व्यवहार करता है। जब बच्चा आंखों के द्वारा विचित्र रूप से देखता है, देख करके समझ नहीं पाता है, तो उसकी आंखों से ये पता चलता है कि उसके अंदर कुछ न कुछ विचित्र बातें चल रही है, तो वो बहुआयती विकलांगता की श्रेणी में आता है। विद्यालय घंटी के प्रति आप जानते हो, जब क्लास प्रारंभ होती है या प्रति पीरियड में घंटी बजती है, हर स्कूल में बजती है, वो घंटी हमें अनुशासन सिखाती है। वो जो घंटी बजती है वो हमें समय के प्रति पाबंद होना सिखाती है। तो जब हर बच्चा उस घंटी के प्रति संवेदनशील होता है कि फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है या थर्ड पीरियड आने वाला है, लेकिन जो बहुआयाती विकलांगता वाला जो बच्चा होगा वो उस घंटी के प्रति संवेदनहीन होता है बच्चों। उसके बाद देखो, क्लास रूम में कोने में बैठना ऐसे बच्चे पसंद नहीं करते हैं। शारीरिक शिक्षा को करना तो दूर, अगर शारीरिक शिक्षा को क्लास में पढ़ाया भी जा रहा है तो भी ये बच्चा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी विकलांगताएं हैं। वो चल नहीं पा रहा है, वो देख नहीं पा रहा है, वो ढंग से उठ नहीं पा रहा है, वो बच्चा ढंग से बैठ नहीं पा रहा है। तो अगर शारीरिक शिक्षा को पढ़ाते समय भी वो उस चीज को नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें कौन सी विकलांगता है बच्चों? बहुआयाती विकलांगता है। उसके बाद देखिए बच्चों, रोशनी के प्रति अनावश्यक हरकत। आप जानते हो, हम अगर अल्प दृष्टि होगी या दृष्टि बाधिता होगी तो उसको हर चीज ब्लर नजर आएगी, धुंधलापन नजर आएगा। तो उस धुंधलेपन को जब वो समझ नहीं पाएगा, इसका मतलब है रोशनी के प्रति उसकी हरकतें अलग अलग होगी। एक सामान्य बालक की रोशनी के प्रति जो संवेदनशीलता होती है, वो संवेदनशीलता वैसी एक बहुआयाती विकलांगता वाले बच्चे में नहीं होती है। अब आगे आते हैं बच्चों, बहुआयाती जो विकलांगताएं हैं उसको हम चार भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? चार भागों में। पहला है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। पहला क्या है? माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। दूसरा है सीखने संबंधी विकलांगता। तीसरा है स्वर्ण संबंधी विकलांगता। और चौथा है अस्थि संबंधित विकलांगता। देखो बच्चों, माइंड मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है ये आप जानते हो। कई बड़े बच्चे ऐसे होते हैं जो 3 से 4 साल, जो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, 3 से 4 साल के बालक जैसी हरकतें करते हैं। उनका आईक्यू लेवल 70 से 50 के बीच में होता है। उनकी बुद्धि लब्धि अच्छी होती है, लेकिन फिर भी ऐसी माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होती है जिसके कारण बच्चा 3 से 4 साल बच्चों जैसी हरकतें करता है। तो ये सब आता है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। अब पता कैसे चले कि बच्चे में माइंड मेंटल रिटार्डेशन की समस्या है? तो हम कई चीजों को ध्यान में रखकर इस बात का पता लगा सकते हैं। वो क्या? आपको पता है, अगर हम उस बच्चे के या जिस बच्चे के प्रति अपने को डाउट है उस बच्चे के माता पिता से मिलते हैं, और अगर वो माता पिता हमें ये जानकारियां देते हैं, क्या अगर माता पिता ये कहे कि बच्चे ने 3 माह के अंदर गर्दन टेकना प्रारंभ नहीं किया था, तो इसका मतलब है कि बच्चा माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन का शिकार हो सकता है। अगर वो कहे कि 9 माह में इस बच्चे ने चलना प्रारंभ नहीं किया था, इस बच्चे ने 9 माह में चलना स्टार्ट नहीं किया था, तो इसका मतलब है कि बच्चे में ये समस्या हो सकती है। 1.5 साल का बालक अगर खड़ा नहीं हो पाया, भाई 9 माह का बालक खड़ा नहीं हो पा रहा है और 1.5 माह का बच्चा चल नहीं पा रहा है, वो चलता नहीं था, 9 महीने का था
तब वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, 3 महीने का था तो वो गर्दन नहीं टेक पा रहा था, और जब वो 2.5 साल का हुआ तो वो शब्दों को उच्चारित नहीं कर पा रहा था। तो इसका मतलब है कि उस बच्चे में माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन की समस्या आ सकती है। ये जानकारी ले ली। अब अपन दूसरी जानकारी जो माँ बाप से पूछेंगे, माता पिता या अभिभावकों से पूछेंगे, वो ये है बच्चों, क्या वो ये है, उनसे पूछेंगे कि क्या बच्चे के सिर में चोट तो नहीं लगी थी। जब हम कक्षा में देखते हैं कि किसी बच्चे के सिर में चोट लगी हुई हो, कोई बच्चा याद करने के बाद में भी उसको याद नहीं हो पा रहा है, कई ऐसी चीजें जब अगर बच्चे में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें ये समस्या हो सकती है। आप जानते हो कि अगर बच्चे के सिर में चोट लग जाती है, सिर में कहीं लगी हुई हो, सिर में बार बार दर्द की शिकायत करता है बच्चा, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे में माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन की समस्या आ सकती है बच्चों। ये समझ आए। फिर है दो ऑप्शन आपको पता चल गए। तीसरा, बच्चा क्या बच्चा कृत्यों की नकल करने में दुर्बल है। आप तीसरा सवाल आपके माइंड में ये आना चाहिए कि जो बच्चे दैनिक क्रियाकलापों को कर रहे हैं, क्या वो बच्चा नहीं कर पा रहा है, क्या बाकी बच्चे शामपट पर लिखा हुआ लिख रहे हैं वो नहीं लिख पा रहा है, क्या बच्चा खेलकूद नहीं कर रहा है, शारीरिक गतिविधियां नहीं कर पा रहा है, बाकी बच्चे कर रहे हैं वो बच्चा नहीं कर पा रहा है। 4 साल का बच्चा जो होता है वो क्या कर पाता है, 4 साल का जो बच्चा होता है वो शब्दों को उच्चारित कर लेता है, ऐसे लेके पूरा उसको शब्द ज्ञान हो जाता है। 4 साल का जो बच्चा है उसका ओरल एजुकेशन मौखिक ज्ञान बहुत ही अच्छा हो जाता है, उसको काउंटिंग आने लग जाती है, वो भाषा का प्रयोग करके वाक्य बनाने लग जाता है, केवल मौखिक रूप से इस एज में आकर के उसको लिखना नहीं आता है। तो क्या समझ में आया, यहां समझ में आया कि अगर बच्चा 4 साल के बच्चे जैसी हरकतें नहीं कर रहा है दूसरा बच्चा, तो इसका मतलब है कि उसमें ये समस्या आ सकती है। तो समझ आया। फिर है क्या है बच्चे में, मूल पाठ को समझ नहीं पाता, जो आप उसको समझा रहे हो। अगर क्लास में कुछ बच्चे तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उसका अधिगम नहीं कर पा रहे, बार बार आप उस चीज को समझा रहे हो लेकिन जब बच्चा मूल पाठ को नहीं समझ पा रहा है तो इसका मतलब है उसमें माइल्ड ये प्रॉब्लम आ सकती है। विभिन्न वस्तुओं को बताने में आप उससे पूछते हैं कि बच्चा इस वस्तु का नाम क्या है, विभिन्न रंगों में से देख करके बच्चों को पूछते हैं कि इसमें से कौन सा कलर ब्लू है या रेड है, तो बच्चा नहीं बता पाता है। फैन की तरफ देख करके इशारा करके हम पूछते हैं कि बच्चा ये क्या है, तो वो बता नहीं पाता है। इसका मतलब है कि उसमें माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन की समस्या आ सकती है। किसी कार्य को 4-5 बार बताने पर भी दिक्कत आती है। आपको पता है हम बार बार किसी काम को दोहराते हैं, लेकिन 6ठी बार भी उस बच्चे को उस काम को करने के लिए बोलते हैं तो बच्चा नहीं कर पाता है। आप देखते हो क्लास में जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो बार बार एक ही चीज को समझा रहे हैं, और बाकी बच्चे समझने के बाद अगर वो बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो इसका मतलब है उसमें माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन की समस्या आ सकती है बच्चों। उसके बाद आता है देखो सीखने संबंधी विकलांगताएं। सीखने संबंधी विकलांगता का मतलब है कि बच्चे का IQ लेवल 85 होने के बाद भी बच्चे में सीख नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें सीखने संबंधी कई प्रॉब्लम्स हैं। तो बहुआयामी विकलांगताएं हैं, तो वो क्या क्या हो सकती है बोले कि बच्चों, बच्चा ध्यान नहीं दे पा रहा है, एक जगह नजर नहीं रख पा रहा है, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं।
पहला उसको दिख नहीं पा रहा, पहला वो सुन नहीं पा रहा, तीसरा वो उस चीज को समझ नहीं पा रहा। तो कई कारण हो सकते हैं ध्यान नहीं लगाने के पीछे। समय में उस काम को पूरा नहीं कर पा रहा है जो हमने होमवर्क दिया है। बच्चा अगर समय पर उसको पूरा करके नहीं ला रहा है तो भी ये विकलांगता हो सकती है। इसका मतलब है कि हम जो बच्चे को सिखा रहे हैं वो बच्चा नहीं समझ पा रहा है। उसके बाद आता है बच्चों कार्य को निर्धारित, मतलब यहां पर यही है कि बच्चा ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि मुझे इस टाइम ड्यूरेशन में ये काम करना है, तो ठीक है, तो ध्यान नहीं दे पा रहा है, ये देखना होगा। दूसरा है समान गलतियों को बार बार करता है, समान गलतियों को बार बार करता है। आप जानते हैं हम बार बार श्रुति लेख करवाते हैं हिंदी की क्लास में, लेकिन कई बच्चे बार बार वही गलती करते हैं, बार बार उसी शब्द को उच्चारित कर रहा है। आप जानते हैं आप बच्चे को बता रहे हैं बच्चों सह शह और शह इन तीनों में फर्क है, लेकिन जब दूसरे दिन क्लास में जाते हैं तो फिर भी वो बार बार उसी वर्ण को उच्चारित करने में गलती कर रहे हैं। शाम पट पर आप लिख रहे हैं, आपने बच्चे को गलती बता दी, लेकिन दोबारा जब वो होम क्लास में लिखता है या होमवर्क करके लाता है तो उसी गलती को बार बार क्या कर रहा है बच्चों, दोहरा रहा है। आप जानते हैं आप जब श्रुति लेख करवा रहे होते हो तो विराम चिन्हों का उपयोग करते हो, अल्प विराम, पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क, इन सब का यूज कर रहे हो, लेकिन बच्चा बार बार विराम चिन्हों में, मतलब बिना विराम चिन्हों का उपयोग करके बोल रहा है, लिख रहा है, तो इसका मतलब है उसमें सीखने संबंधी अक्षमताएं हो सकती है। विराम फिर आता है वर्ण करने में दिक्कत, वो मैं बता ही चुकी हूं आपको कि वर्ण भेद नहीं कर पाता, ध्वनि को सुन नहीं पा रहा है, ध्वनि लिख नहीं पा रहा है, मुश्किल से लिख पा रहा है, पेंसिल को ढंग से पकड़ नहीं पा रहा है, शामपट पर लिखे हुए शब्दों को सहपाठी की कॉपी में से देखकर लिख रहा है वो भी शुद्ध नहीं लिख पा रहा है, और कई ऐसे समान वर्ण हैं जिनको लिखने में उसको असुविधा महसूस हो रही है। तो इसका मतलब है बच्चे में क्या है, बच्चे में सीखने संबंधी अक्षमताएं हो सकती है बच्चों। उसके बाद आता है स्वर्ण संबंधी अक्षमताएं। स्वर्ण संबंधी विकलांगता क्या हो सकती है, बच्चा कान लगा करके सुन रहा है, बच्चा सहपाठी की कॉपी में से देख करके लिख रहा है, बच्चा आप जो ध्वनि ज्ञान या स्वर ज्ञान या श्रुति ज्ञान बच्चे को देख रहे हैं वो उसको समझ नहीं पा रहा है, बच्चा दूसरे दिन जो भी आपने गृह कार्य में दिया है उसको नहीं कर पा रहा है, बच्चा जब आप उससे सवाल कर रहे हैं तो उसको सवाल का जवाब देने में दिक्कत आ रही है, जो चीज आप समझा रहे हैं उसको वापस नहीं समझा पा रहा है, तो इसका मतलब है उसमें स्वर्ण संबंधी अक्षमताएं विद्यमान हो सकती है। हो सकती है नहीं हो सकती, हो सकती है। इसके अलावा बच्चा बोलने उच्चारित करने में अगर असुविधा महसूस कर रहा है तो इसका मतलब है उसमें स्वर्ण संबंधी अक्षमताएं हो सकती है। स्वर्ण संबंधी जो अक्षमताएं हैं, बच्चा रेडियो और टीवी की आवाज को तेज कर देता है, नॉर्मल आवाज को तेज कर देता है, या बच्चा क्लास में आपको बोलता है कि हमें सुनाई नहीं दे रहा है, या टीचर को बोलता है कि आप थोड़ा जोर से बोले, तो अगर ये एक्टिविटी या क्रियाकलाप बच्चे में अगर टीचर देखता है तो इसका मतलब है कि उसमें श्रवण संबंधी असक्षमताएं मौजूद हो सकती है बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों क्या, अस्थि संबंधी विकलांगता है। आपको पता है कोई बच्चा किसी अंग का ज्यादा प्रयोग कर रहा है, किसी अंग का बिल्कुल प्रयोग नहीं कर रहा है, कोई बच्चा झटक करके उठ रहा है, कोई बच्चा जोड़ों में दर्द की शिकायत कर रहा है, कोई बच्चा शारीरिक शिक्षा में भाग नहीं ले रहा है, कोई बच्चा कैरिकुलम एक्टिविटीज में भाग नहीं ले,
पूछो तो वो कौन सा होता है, अस्थि संबंधी विकलांगता के अंतर्गत आता है। कोई बच्चा उठने में छड़ी का प्रयोग कर रहा है, कोई बच्चा जो शारीरिक शिक्षक की जो क्लास होती है उसमें भाग नहीं ले रहा है, कोई बच्चा खेलकूद प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा है, कोई बच्चा चलने में और हाथ का प्रयोग करने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है बच्चों, तो इसका मतलब है उसमें कौन सा रोग हो सकता है, अस्थि संबंधी विकलांगता विद्यमान हो सकती है। तो आपने पढ़ा चार विकलांगता है, तो बहुआयामी विकलांगता है जिसमें बहुत सारी अक्षमताएं मौजूद हो वो बहुआयामी विकलांगता की श्रेणी में आती है। तो इसमें अपन ने पहला क्या पढ़ा, माइंड मेंटल रिटार्डेशन, दूसरा क्या पढ़ा, सीखने संबंधी विकलांगता, तीसरा क्या पढ़ा, स्वर्ण संबंधी विकलांगता, चौथा क्या पढ़ा बच्चों, अस्थि संबंधी विकलांगता। ठीक है, इसमें हमने माइंड मेंटल रिटार्डेशन में यही पढ़ा कि बुद्धि लब्धि अच्छी होने के बावजूद बच्चा 3 से 4 साल के बच्चे की एक्टिविटी करने लग जाता है। सीखने संबंधी में आईक्यू लेवल होना अच्छा होने के बावजूद बच्चा ध्यान नहीं लगा पा रहा है, उस चीज को समझ नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब है उसमें सीखने संबंधित या अधिकम संबंधी विकलांगताएं विद्यमान है। तीसरा हमने स्वर्ण संबंधी, सुनने से संबंधित विकलांगता, और चौथा पढ़ा हमने अस्थि संबंधित विकलांगता। अब बच्चों जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का, और आज हमारी जो शिक्षा टिकी हुई है इसी पर टिकी हुई है बच्चों, क्या, समावेशी शिक्षा, इस पर टिकी हुई है समावेशी शिक्षा। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा की परिभाषाएं, समावेशी शिक्षा के प्रतिमान, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। समावेशी शिक्षा को पढ़ने से पहले बच्चों आप लोगों को 3 चीजों का पता होना चाहिए बच्चों, एक तो विशिष्ट शिक्षा, एक आती है बच्चों समेकित शिक्षा, और तीसरा आता है बेटो बच्चों समावेशी शिक्षा। ये 3 वर्ड आपने सुने होंगे, ये क्या है, इन 3 में फर्क क्या है, तो मैं बता रही हूं विशिष्ट शिक्षा क्या है। आप जानते हो जो बच्चे विकलांग है, जो असमर्थी बालक है, जो क्षमता से हीन बालक है, अक्षमता युक्त जो बालक है, उनके लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन, विशेष विद्यालयों में अगर उनको शिक्षा दी जा रही है, विशेष सुविधाओं का आयोजन किया जा रहा है, विशेष मानकों का निर्धारण किया जा रहा है, तो वो बच्चों कहलाती है विशिष्ट शिक्षा। क्या कहलाती है, विशिष्ट शिक्षा। दूसरा आता है बच्चों स्पेशल एजुकेशन बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, स्पेशल एजुकेशन। फिर आता है बच्चों समेकित शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, और समावेशी का हो जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन का मतलब विशेष विद्यालयों में जिनको शिक्षा दी जाती है वो होती है बेटो विशिष्ट शिक्षा। और 19वीं शताब्दी का जो काल था, आजादी से पहले का जो काल था बच्चों, उनमें विकलांगों के लिए, असमर्थी जो बालक थे उनके लिए विशिष्ट शिक्षा का क्या था बच्चों, प्रावधान था। फिर आई बच्चों समेकित शिक्षा, ये आई 1970 में। ये जो समेकित शिक्षा आई, इस समय की शिक्षा में कहा गया कि विकलांग बच्चों को किसमें, विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन लेकिन जो है विकलांग बच्चे
उस स्थिति तक आने तक विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, तो वो कौन सी है? मतलब है कि ये जो विशिष्ट शिक्षा में जो अध्ययन कर रहे हैं बच्चे, उनको यहाँ पर ऐसी एजुकेशन दी जाए ताकि आगामी दिनों में उसको किसमें जोड़ दिया जाए, उनको इसमें जोड़ दिया जाए। तो समय की शिक्षा इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो कि 1970 में केंद्र सरकार की योजना थी, इस योजना में ये बात कही गई। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन यही कहती है कि एक कक्षा में सामान्य बालकों, विकलांग बालकों को एक जैसा माहौल और पूर्ण साझेदारी के माहौल के साथ एक ही विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली जो शिक्षा है बच्चों, वो ही क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा। तो कल जो हम टॉपिक में पढ़ेंगे, विशिष्ट शिक्षा, समय की शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या अंतर है, इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा में का जो इतिहास है उसमें किन किन प्रतिमानों को अपनाया गया है। तो ये जो चार प्रतिमान है, इन प्रतिमानों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप चाहते हैं कि मैं शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट शिक्षा, समय की शिक्षा और समावेशी शिक्षा के टॉपिक्स को क्लियर करवाऊं, तो आप मेरे नवभारती ग्रुप्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि मैं इस वीडियो बनाने की जो प्रक्रिया है उसको जारी रख सकूं। आप शिक्षा मनोविज्ञान के जो टॉपिक्स में आपको लग रहा है कि ये हमें अच्छे से समझ पा रहे हैं और किसी टॉपिक्स को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और कुछ भी क्वेश्चन करना हो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित, कोई भी टॉपिक या कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर सकूं। तो आप चाहते हैं मैं इसी तरीके से वीडियो बनाती रहूं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।